2003 से वनवास काट रही कांग्रेस पार्टी वर्तमान में एक ताकत के साथ उभर कर सामने आ रही है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पार्टी को भरोसा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो अलग कुछ कर दिखाएंगे और सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। पार्टी में एक कद्दावर नेता राजमणि पटेल, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद के पद पर हैं, उनसे खास बातचीत की रीवा दर्शन ने। आइए जानते हैं राजमणि किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में जा रहे हैं और कैसे पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में पर्चा दाखिल करवाने आए आज कांग्रेस नेताओं के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। हम राजमणि पटेल जी से बात करेंगे कांग्रेस की स्थिति में, कांग्रेस की जो टिकट वितरण हुआ है और कैंडिडेटों के बारे में कहाँ क्या स्थिति है। मनी पटेल साहब, रीवा में आपने 8 विधानसभा में टिकट दी, अभी जो बसपा से नेता आए हैं उनको टिकट दे दी गई और इसका कई जगह विरोध भी हो रहा है, लेकिन आगे क्या परिणाम आएगा इसके बारे में आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रजातंत्र में जो है किसी भी चीज़ का समर्थन होना, विरोध होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कांग्रेस पार्टी ने जो है हर चीज़ों पर, हर मुद्दे पर सोच विचार करके सामाजिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ, जाति समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, सारे मुद्दे को सोच विचार करके कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन किया है जो निश्चित रूप से जिताऊ उम्मीदवार हैं और हमें विश्वास है कि रीवा जिले की जनता जो है 8 विधानसभा में कांग्रेस को जिताकर भेजेगी। पूरे विंध्य में क्या स्थिति नज़र आ रही है आपको? विंध्य में भी कांग्रेस बहुमत आएगा और अच्छी हैसियत में कांग्रेस विंध्य प्रदेश में भी जीतेगी, पूरे प्रदेश में जीतेगी। एक चीज़ और लोगों के दिलों में चल रहा है, जो SC ST एक्ट था, तो ना उस मुद्दे पे भाजपा ने तो कह दिया कि आप कुछ बोलोगे नहीं, कांग्रेस भी चुप क्यों है? नहीं, देखिए, ये मुद्दे जो है चुप रहने का सवाल नहीं है। ये मुद्दा केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है और ये जो आरक्षण का मुद्दा है संवैधानिक मुद्दा है और ये हमारी जो बरसों बरस से चली आ रही परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर कोई परंपरा, कोई रीति रिवाज, कोई ट्रेडिशन जब बन जाता है तो उसको बड़े सुनियोजित तरीके से उसको सुलझाने में जो है समय लगता है। ऐसा नहीं कि कह देने से किसी का विरोध हो गया, किसी का समर्थन हो गया, इसका सवाल नहीं है। उसमें ज़रूरत इस बात की है कि हर एंगल से, हर पहलू पर उसकी एक कमेटी बनाई जाए, समिति बनाई जाए, उस मुद्दे पर जो माने अपेक्षाएँ हैं उस पर विचार विमर्श हो और उसके बाद माने कोई निर्णय इसमें लेना चाहे इसके पक्ष में। मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या देख रहे हैं, कांग्रेस कितने सीटों पर आ रही है? क्योंकि आप प्रदेश में घूम रहे हैं, प्रदेश की कई कमेटियों में शामिल है, तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटें आप देख रहे हैं कि आ रही? आज जो मध्य प्रदेश के जनता के बीच में माहौल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से खुश हो। सब में के माने दिलों और दिमाग में नफरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विश्वास को ले करके और उस विश्वास को लूटा है, उस विश्वास पर डकैती डाला है। इस वजह से मध्य प्रदेश की जनता जो है आंदोलित है, आक्रोशित है और निश्चित रूप से वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समर्थन करेगी और बहुत अच्छे मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद। ये थे राजमणि पटेल जी हमारे साथ। रीवा दर्शन के लिए अनिल त्रिपाठी।